एक जंगल में एक ग्रुप रहता था, उस जंगल का राजा कहा जाता था। लेकिन उसमें एक भाई था, तीन बहनें थीं, और वो भाई अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए सब हंसी खुशी रहने लगे। और लेकिन एक दिन जब चारों पानी पी रहे थे, पानी क्या है, हाँ ये रहा, चारों पानी पी रहे थे, तभी पानी बहुत कम था और दो बहनों ने अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन भाई, एक भाई और एक बहन में झगड़ा हो गया। मैं पहले पानी पीऊंगा, नहीं मैं पीऊंगी, नहीं मैं, नहीं मैं, मैं पीऊंगा, तुम कौन होती हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, बड़े भाई तो पहले पानी पीना चाहिए, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, मुझे भी तुम चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, तो ये देखकर वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी, क्योंकि उनके जंगल में उनके जब पिताजी ने बोला था कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दोनों ने किया, इसीलिए वो दोनों बहुत गुस्सा भी हुई और दुखी भी। और लेकिन एक दिन जब वो दोनों बैठी थी, तभी उनकी बहन आई और बोली चलो हम खेलने चलते हैं। लेकिन तभी भाई आ गया, नहीं वो मेरे हट जाएंगी, तुम कौन होती हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। भैया छोटी, मुझे ठीक है, मुझे नहीं करना, मुझे भी नहीं खेलना। अरे इन दोनों का झगड़ा तो मिटता ही नहीं। हाँ फिर भाई हाथियों के पास गया और बोला, हाथी भाई तुम कैसे हो, आज से मैं तुम्हारे ग्रुप में रहूँगा। वो क्या है ना, मेरी बहन मुझे जानबूझकर अपने ग्रुप से निकाल दिया। तुम्हारी बहन बॉस नहीं है, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए तुम लीडर बन जाओ। हाँ लीडर से कुछ नहीं है, तुम सबसे अच्छे खेलो, अपनी बहनों का ख्याल रखा करो। मुझे इससे कुछ नहीं है, मुझे उन बहनों से चिड़ है। क्या है, तुम हमारे ग्रुप में रहते हो, सबके ऊपर तुम्हें शेर हो, जैसे काम करना चाहिए, मतलब शेर के ग्रुपों में रहना चाहिए। पर वो तीनों मुझसे नफरत करती हैं, वो तीनों जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है फिर भी मुझसे जुबान चलाती है, खास करके वो छोटी वाली। तो बचपन की प्रिय मैं जाता हूँ। फिर जब वो आते हैं तो वो तीनों साथ में मिलती हैं उन्हें, चलो मेरी दोनों बहनों, चलो अब मैं तुम्हें शिकार करना सिखाता हूँ। पर हम दोनों शिकार करने जा रहे थे, तो उससे क्या है, मैं उन्हें शिकार करना सिखा रहा हूँ, मैं शिकार करना सिखा रही हूँ उन्हें। दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है, तो वो दोनों बहनें तंग आकर वहाँ से चली जाती हैं। अरे मेरी बहन है, मेरी बहन है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना दीदी। हाँ तुम सही कह रही हो मेरी बहन, एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम भैया और दीदी का झगड़ा मिट सकता है। क्या, एक काम करते हैं, देखो मेरी बहन सबसे बहादुर है। शुक्रिया दीदी। फिर जब प्लान के मुताबिक वो दोनों जाती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर मिलते हैं। तो एक बहन भैया के पास गई और बोली, भैया भैया पता है दीदी कितनी अच्छी है, उन्होंने ना हमें कल जेब्रा खाने के लिए दिया था। जेब्रा खाने के लिए दिया था, अरे वाह, जेब्रा तो तुम्हारा मनपसंद है ना। हाँ फिर जब दूसरी
बहन के पास गई और बोली, कल हमें उन्होंने विल्ड बीस्ट खिलाया था। विल्ड बीस्ट? अरे वो विल्ड बीस्ट का शिकार कर सकते हैं? विल्ड बीस्ट तो मुझे बहुत पसंद है। तो एक काम करना पड़ेगा दीदी आपको। क्या? आपको भैया से झगड़ा मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलत बात है, क्योंकि झगड़ा हम सब के जंगल में शामिल नहीं है। फिर एकदम से भैया उनके पास आता है और बोलता है, माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझे भी माफ़ कर दो भैया, हमारा प्लान काम कर गया है ना भैया। विल्ड बीस्ट? विल्ड बीस्ट मैंने नहीं कहा। अच्छा तो ये तुम दोनों की चाल थी। हाँ, हमें आपका झगड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ना भैया। ओ ठीक है, तो चलो विल्ड बीस्ट का शिकार किया जाए। फिर सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। बाय फ्रेंड्स।